दसवें में पढ़ना हम लोग आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई स्पेशल रूल डेसिमल का नहीं, बस एक थोड़ा सा फंडामेंटल जान लेंगे तो हम डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली से अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जानने के लिए हमको जानना जरूरी है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जानते हैं कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट में किया जाता है। बिल्कुल वही फॉलो होगा, उसमें कोई भी इफ बट नहीं होगा। जान लीजिए सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट उसी तरह करना है, उसमें जिस तरह सब्ट्रैक्ट पहले करते आ रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें कोई स्पेशल रूल हम सब्ट्रैक्शन के लिए ऐड नहीं करने जा रहे, नहीं हम एडिशन के लिए कुछ स्पेशल रूल ऐड करने जा रहे, बस कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन समय क्या ध्यान देना है वो हम ध्यान लेते हैं डेसिमल के दौरान, तो हम इजी रूप से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस ये याद है कि जिस तरह हम ऐड करते आ रहे हैं बस उस तरह ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट जिस तरह करते आ रहे हैं बस सब्ट्रैक्ट भी हम उसी तरह करना है। बस एक थोड़ा सा डेसिमल में ध्यान देना है कि डेसिमल को लिखना कैसे है, एडिशन में कैसे लिखना है और सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखना है, बस ये लिखने के लिए सीख जाएंगे तो हम लोग बस कुछ बात नहीं, बस खाली लिखने सीखे। डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग को बस लिखने के लिए सीखना है कि हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल लिखते हैं, ये रहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए क्वेश्चन हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन है एडिशन के लिए दिया हुआ, ये फर्स्ट हमको करना है ऐड। ठीक है, ऐड करना है इसको, तो लिखने का तरीका सीखना। देखिए लिखने का क्या तरीका है, जैसे हम लोग लिखते थे इससे पहले ऐड लिखते थे, कैसे लिखते थे इसको ध्यान देखिएगा। हम लिखते थे 818182, कैसे लिखे इसे क्या लिखते हैं, इससे सिंपल सा यदि ऐड हम लोग लिखना शुरू से जानते हैं तो कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे सिंपल से ऐड में कैसे लिखते थे वो लिख के पहले दिखा रहे। देखिए कैसे हम लोग लिखते थे 5818, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ 4031188, हम लोग इस तरह लिखते थे। ठीक है, डेसिमल मेरा यहाँ पर है, डेसिमल मेरा यहाँ पर है, डेसिमल मेरा, ठीक हम लोग इस तरह लिखते थे। ठीक है ना, एडिशन यदि सिंपल सा एडिशन आप लोग को दिया जाता था हम लोग इस तरह लिखते थे, लेकिन ये लिखना होगा डेसिमल के फॉर्म में, यदि डेसिमल दिया होगा ये लिखा होगा गलत, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, जब डेसिमल यदि दिया रहा है यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, तो इस तरह बिल्कुल ही नहीं लिखना है। इस तरह ऐड लिखते हैं नॉर्मल ऐड पहले जो करते हैं आप सब, डेसिमल देखिए अब कैसे करते हैं, डेसिमल जो लिखे बिल्कुल वर्टिकली फॉर्म, बिल्कुल वन टू वन नीचे होना चाहिए, ध्यान देना। देखिए इससे लिखा हुआ 818 डेसिमल 812, जो ये डेसिमल पड़ा है इसी के सेम डेसिमल सब सब कंटिन्यू होगा, जैसे यहाँ पे 818 ये जो डेसिमल इसका है बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पे उतरेगा, जस्ट इसके नीचे उतरेगा, बिल्कुल वर्टिकली रूप से उतरेगा। यही चीज ध्यान देना है, बस कुछ ध्यान नहीं देना, बस यही ध्यान देना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डेसिमल है, पहला नंबर का डेसिमल हम लिखे यहाँ पे, सेकंड नंबर डेसिमल, तो ये डेसिमल बिल्कुल वर्टिकली होना चाहिए, एक के नीचे एक होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसके बाद एट यहाँ रहा, ठीक है 8185 यह हो गया, फिर यहाँ डेसिमल देखते हैं इसी के डेसिमल, यहाँ डेसिमल इसी डेसिमल नीचे, फिर यहाँ ये डेसिमल उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 8888, ठीक है 1304 ये, ठीक है, और इधर बताया इधर नहीं होता, जीरो लगा कोई वैल्यू का चेंजिंग नहीं होता। ये करेंगे इस तरह करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, इस तरह ऐड करेंगे, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी ऐड करने का तरीका बिल्कुल सेम, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखते हैं ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं, तो ये 51 हो गया, 9 हमारा हो गया, 8 to 10, बिल्कुल ऐड करने का तरीका में कोई भी चेंजिंग नहीं है, बता रहे हैं ऐड जिस तरह करते आते बिल्कुल उसी तरह की ऐड करना है। ठीक है, खाली चेंजिंग जो आएगा हमारा बस लिखने का तरीका जो डेसिमल में डेसिमल बस वही चेंजिंग आएगा, ऐड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए 112 है, 5 है, कैरी आंसर क्या था 6, 8 16 17 7, कैरी 1 यहां क्या, देखिए कैरी 1 यहां चला गया, डेसिमल जैसे बात बिल्कुल ऐड से उसी तरह करना, कैरी 1 यहां चला गया, देखिए यहां पे बस बस हम खाली लिखने का बस डेसिमल का यूज किया, बाकी कैरी चला गया यहां पे 2451, देखिए फिर नीचे डेसिमल की पे यहां लिखें डेसिमल की ये, ठीक है 15 21, कैरी यहां 2 चला जाएगा और यहां 11 कैरी 1 हो जाएगा और यहां 9, ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आंसर होगा 915.760, ये बस एडिशन हम लोग उसी तरह किए हैं, एडिशन में कोई भी नया कुछ नहीं किया, बस लिख रहे हैं तरीका डेसिमल पॉइंट डेसिमल। ठीक है, सेकंड ऐड करके देखते हैं हम लोग, सेकंड ऐड कर लेते हैं,
देखिए ये एडिशन का क्वेश्चन मान लेते रहेगा आपको इस टाइप का, ठीक है, इसको ऐड करते हैं। लिखने का तरीका दिखेगा, बस इसमें लिखने का तरीका है समझना, एडिशन हम नहीं बता रहे कैसे ऐड करना, ऐड तो आप जानते ही कैसे ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी आप ऐड पढ़ चुके हैं ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, वो बढ़िया जानते हैं, कैरी का भी ऐड जानते हैं, विदाउट कैरी भी ऐड जानते हैं, ठीक है, बस हम ये तरीका बताया डेसिमल ऐड लिखा कैसे जाता है, बस लिखने का तरीका बताया, ठीक है, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, जिसको जाते हैं एडेड बोलते हैं, इसको सम होती है, तो आपको पता है इसको जो हम लोग सम करते हैं उसको जो टोटल ऐड होकर जो सम आता है उसको बोलते हैं हम लोग सम बोलते हैं, ठीक है, इसको एडेड बोलते हैं, जो तो आप लोग को पता ही होगा, ये हम पीछे क्लास में पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं ऐड करने का, बस हम बता रहे हैं एडिशन नहीं बता रहे, अभी भी बता रहे हैं, केवल डेसिमल लिखने का तरीका बता रहे हैं, एडिशन आप लोग पता है कैसे ऐड किया जाता है। देखिए 7.81 ये रहा, ठीक है, तो ये दूसरा नंबर ये डेसिमल, डेसिमल जस्ट क्या लिखना है, डेसिमल प्लेस वैल्यू याद रखना है, यहाँ देखिए 10th प्लेस पे इसके नीचे 10th और 10th प्लेस पे 100 है, 100 प्लेस पे, ठीक है, फिर 1 फिर 5 देखिए इसका, ठीक है, फिर यहाँ देखिए डेसिमल इसका डेसिमल यहाँ पे बिल्कुल डेसिमल नीचे यहाँ डेसिमल लिखना है, ठीक है, इधर क्या 10th प्लेस 3 है, बाकी इधर 3, 4, 5 3 हो गया, 4 हो गया, 5 1 प्लेस 5 10th प्लेस पे 4 और 3 प्लेस पे 100 प्लेस पे 3, फिर यहाँ देखिए 0 समान देखिए ये हो गया, ठीक है, बस ये ध्यान डेसिमल नीचे डेसिमल, देखिए ये अंक है बताया इससे पीछे चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में ये बताए थे यदि कोई भी डेसिमल लिखा रहता है जिससे ये लिखा इसके पीछे कितना भी जीरो दे देंगे तो नंबर का वैल्यू बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, किसी भी डेसिमल के पीछे यदि हम जीरो जिससे बना देते हैं उसका वैल्यू बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, तो यही चीज हम यहाँ ध्यान देंगे, यदि डेसिमल के नंबर है इसके पीछे कितना भी राइट साइड में जीरो लगा दे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा दे उसका वैल्यू बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, तो देखिए इसका बिल्कुल वैल्यू चेंज होता है, ये जो ब्लैंक है देखिए ये 100 के पेस्ट इसको पीछे जीरो लगा दीजिए, यहाँ सबको लाइक हम बोल सकते हैं सबको लाइक फ्रैक्शन बना देना, सबको लाइक डेसिमल बना देना, सब लाइक डेसिमल से पहले पढ़े लाइक डेसिमल बनाने का तरीका है कि जीरो लगा देते उस तरह लाइक डेसिमल बना देना, सभी को यहाँ पे लाइक डेसिमल क्या कि हम लोग बना दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 5 है, ये 5 हो गया सर, ये 1 है तो यहाँ 1, ठीक है, 6+7 यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ 15+3 18+5 25, ठीक है, कैरी 2 यहाँ पर चला जाएगा, 7+2 9 9+5 14, देखिए डेसिमल से सीधे डेसिमल वर्टिकल रूट से बिल्कुल उतार दी, ठीक है, ऐड देख लीजिए तो 9 14 कैरी 1 यहाँ चलेगा, 4 1 5 हो गया और ये 3 का 3, आप इसको जो हम जीरो इधर लिखे जीरो आप इधर भी आराम से उसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, जीरो इधर लिखे इसको भी जीरो यदि नहीं लिखना मत आप इधर भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, बस ये समझाने के लिए आपको बता दिए, ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए क्या है 3, 5, 4, 5, 5, 7, 1, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 7, 1, 5, 3, हम एडिशन नहीं बताए आपको, अभी बता रहे हैं, एडिशन नहीं बता रहे, पहले डेसिमल लिखने का एडिशन का तरीका कैसा है, एडिशन में डेसिमल कैसे लिखा जाता है, अब सर ने सबट्रैक्शन में कुछ नहीं है, बेसिक आप जान गए, अब बस सबट्रैक्ट करना जानते हैं, सबट्रैक्ट करना आप सबट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन डेसिमल के लिए डेसिमल जो एडिशन में रूल फॉलो हुआ कि डेसिमल के लिए डेसिमल बट कल रूप से लिखना है, सेम वे सबट्रैक्ट रूप में लिखना है, अंतर बस यही है कि बस उसमें सबट्रैक्ट करना इसमें
है वो बढ़िया अस्पताल, ठीक है। आप देख लीजिए सेपरेशन का एक बना के आपको दिखा देते हैं, वो भी हम ये ऐड कर रहा है, ठीक है। और यह बना देते सेपरेशन में, सेपरेशन बना देते हैं आपको, और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेपरेशन क्वेश्चन का, फिर हम इसको सेपरेट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये डेसिमल है इसका डेसिमल बिल्कुल सेम में डेसिमल होता है, ठीक है। और यहाँ सेवन इसका डेसिमल की पहला वन स्पेस का सेवन, तो वन स्पेस नीचे वन स्पेस, इसके बाद उधर 9 8 2, ये प्लेस में ध्यान दे लेना है, ठीक है ना। बस डेसिमल नीचे डेसिमल रहे और बस प्लेस, देखिए देखिए हमारा टेंथ रहता है ये, हंड्रेड रहता है ये, हंड्रेड होता है ये, टेंथ होता है ये, थाउजेंड, बस प्लेस इन द प्लेस वन होता और टेन होता है, इस तरह डेसिमल नीचे डेसिमल मेंटेन कर लीजिएगा तो प्लेस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल नीचे डेसिमल खाली मेंटेन कर लीजिएगा और प्लेस अपने आप जो भी डेसिमल का प्लेस होता है वो प्लेस मिल जाएगा, क्योंकि जानते हैं जिस प्लेस का होता है उसी प्लेस का हम ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं, पीछे हम एडिशन सबट्रैक्शन यही पढ़ते हैं। अभी वन प्लेस का अंदर डिजिट का नंबर, तो वन से सारा ऐड करते हैं, हंड्रेड को हंड्रेड, थाउजेंड को थाउजेंड, डेसिमल डेसिमल मेंटेन कर लीजिए अपने आप वो प्लेस भी क्या होता है
डेसिमल होल नंबर में आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगा और उधर जो प्लेस मिलना है डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस मिल जाता है। अब देखिए यहाँ सबट्रैक्शन के लिए बैठे हैं लेकिन ऊपर नंबर नहीं है, यहाँ पे ऊपर दोनों जगह नंबर नहीं है। अब देखिए इसमें डॉट नहीं करना है, चाहे इसको बता दिए तभी कि जो भी नंबर है ठीक है ना, डेसिमल के बाद कितना पॉइंट जोड़ सकते जीरो जोड़ सकते, यहाँ पे हम जीरो लिख के उसको नंबर क्या कर सकते हैं फुलफिल कर सकते। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे जीरो नहीं दिया हुआ है तो ऐसा बिल्कुल संकोच नहीं करना कि आप कैसे बनाए ठीक है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ही नहीं तो कैसे बनाए। तो याद है डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उसके पीछे जीरो स्ट्रिंग लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है क्वेश्चन का वैल्यू जो आप बताए अभी ये जो बताए अभी कि वो नंबर का वैल्यू बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, पीछे डेसिमल के बाद जीरो लगाने से उसका नंबर वैल्यू चेंज नहीं होता। अब देखिए सिर्फ सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने का जो सिंपल तरीका आपको सबट्रैक्ट करना आता है बिल्कुल इसी तरह से सबट्रैक्ट करना, सबट्रैक्शन में कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ जीरो में टू जाएगा तो लेकिन कैरी कैरी लेके हम लोग करेंगे तो यहाँ टेन हो जाएगा, टेन टू जाएगा तो उसी का एट, यहाँ हो जाएगा नाइन, नाइन एट जाएगा उसी का वन, यहाँ होगा सेवन, सेवन से नाइन ले जाए कैरी लेंगे सेवनटीन में एट, यहाँ पर सिक्स, सिक्स में सेवन कैरी लेंगे यहाँ बजेगा सेवन और यहाँ बजेगा सेवन, देखिए मैं आंसर कर रहा हूँ ठीक है। हम सबट्रैक्शन आपको नहीं बता रहे बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आप मेंशन कीजिएगा तो अपने आप जो आगे प्लेस वैल्यू होता है प्लेस होता है वो प्लेस ऑटोमेटिक में ऐड भी मिल जाएगा और सबट्रैक्शन मिल जाएगा। इसको मिस कर गया तो टेंथ के साथ टेंथ वन जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ, देखिए यहाँ पे टेंथ प्लेस इसका यहाँ पे था टेंथ प्लेस यहाँ पे लेकिन इसका टेंथ प्लेस कहाँ गया यहाँ पर चल गया ठीक है, इस तरह प्लेस वैल्यू थोड़ा आपको मिसमैच हो जाएगा। अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख पाते हैं तो आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल ही बिल्कुल मैच कर जाएगा ठीक है, बस यही ध्यान देना बस ये डेसिमल टू डेसिमल सेकंड से काट करके मैं और थी देखिए ये रहा आपका 90.81 अब करना मैच करना है सेवन और यहाँ से क्या लेंगे टेन जीरो टू और एट ये हमारा रहा ये रहा एडिशन सबट्रैक्शन का डेसिमल का एडिशन सबट्रैक्शन डेसिमल का एडिशन सबट्रैक्शन आपको कुछ नहीं बताया, हमें डेसिमल सबट्रैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं बताया, बस आपको बताया है कि डेसिमल को किस तरह अरेंज करके लिखा जाता है ठीक है, अरेंज करने का तरीका उसमें जान लीजिए, अरेंज करने का तरीका जान लीजिएगा तो आप डेसिमल का एडिशन सबट्रैक्शन बना लीजिएगा ठीक है, क्योंकि एडिशन सबट्रैक्शन ऑलरेडी बढ़िया सा पढ़ चुके और इसको बना सकते हैं ठीक है। तो ये एडिशन बताए थे बस बेसिक चीज याद रखना कि डेसिमल बिल्कुल वर्टिकल रूप से लिखना है जिससे आपको प्लेस वैल्यू सभी का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा, जैसे यहाँ टेंथ प्लेस होता है टेंथ प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस ठीक है और 10000 प्लेस इसका होता है 1 प्लेस उसका 100 प्लेस और 10 प्लेस उसका 100 प्लेस ये इस तरह होता है। अब डेसिमल डेसिमल इन्वेंटरी की सभी प्लेस वैल्यू ऑटोमेटिक है मिल जाए, क्योंकि हम एडिशन सबट्रैक्शन पढ़े हैं कि सेम प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते हैं सेम प्लेस वैल्यू से सबट्रैक्शन करते हैं, प्लेस वैल्यू बिल्कुल सेम होता है तभी उसमें एडिशन और सबट्रैक्शन होता है। ये रहा आपका एडिशन और सबट्रैक्शन डेसिमल का ठीक है।